जय श्री राम। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं हूं अयोध्या में और आज की स्टूडियो में आप देखने वाले आखिर रात का नजारा कैसा होता है अयोध्या का, कैसा दिखता है धर्मपथ रात में, कैसा दिखता है रामपथ रात के समय, कैसा है राम कॉरिडोर रात के समय कैसा दिखता है, क्योंकि दिन और रात में काफी फर्क होता है। और रात के समय जो पूरी अयोध्या इस समय और भी सज के निखर के सामने आ रही है, तो इस वीडियो में आपको रात के सारे नजारे में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक। ये लता मंगेशकर चौक, जब आप अयोध्या आते हैं तो सबसे चर्चित चौराहा, सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा लता मंगेशकर चौराहा है। धर्मपथ से आते हुए आप पहुँचते हैं लता मंगेशकर चौराहा और यहीं से एक रास्ता जाता है रामपथ होते हुए राम जन्मभूमि तक। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं धर्मपथ। धर्मपथ कैसा लगता है रात में, तो आप ठीक पीछे देख रहे हैं, ये धर्मपथ है। दोनों तरफ सूर्य स्तंभ का निर्माण किया गया है, 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ और 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ। तो चल के आपको मैं बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो भी आप देख रहे हैं कि ये सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं और ये रात का नजारा है अयोध्या का। अभी तक आपने हमारे जितने भी वीडियो देखे वो दिन के नजारे के देखे, ये पहला वीडियो हम रात में रुक के अयोध्या में बना रहे, क्योंकि आज के बाद रात में एंट्री हम लोग की बैन हो जाएगी, फिर 23 तारीख के बाद ही हम लोग की एंट्री यहाँ पे हो पाएगी। तो कैसा नजारा आपको मिलने वाला है अयोध्या पहुँचने के बाद रात के समय में, क्योंकि कई बार होता है कि लोग आते हैं और दिन ही दिन अयोध्या विजिट करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो अगर आप इस बार अयोध्या जी आते हैं तो आपको कम से कम एक नाइट का स्टे तो अयोध्या जी में जरूर करना चाहिए, और जो रात के नजारे हैं अयोध्या जी के उनको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब अयोध्या बहुत ही खूबसूरत बनाई जा चुकी है। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे, जो पीछे लता मंगेशकर चौराहा है, ये 10 स्तंभ इधर लगे हुए हैं सूर्य स्तंभ और 10 सूर्य स्तंभ इधर लगे हुए हैं। बाकायदा जो स्ट्रीट लाइट है उन पर भी आप देखेंगे तो त्रिशूल और तिलक का निशान दर्शाया गया है, और जो ये स्ट्रीट लाइट और ये जो स्ट्रीट लाइट है इनमें भगवान श्री राम की पोस्टर भी लगाई गई है। यही धर्मपथ पे आप देखेंगे कि ऐसे जो ट्रीज बचे हैं, कुछ पेड़ यहाँ पे अभी धर्मपथ पे इस तरफ बचे हुए हैं, इनको नहीं काटा गया, तो उन पेड़ों को भी बहुत अच्छे से सजाया गया। आप देख सकते हैं कि पूरे पेड़ में लाइटिंग का काम किया, जो लाइटिंग किया गया ये भी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, क्योंकि बांस की डलिया टाइप में बनाई गई और उसी में इस लाइट को लगाया गया, जो कि समय बहुत ही खूबसूरत नजारा दे रहा है इस पूरे धर्मपथ पे। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, पूरा धर्मपथ दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है आपको रात के समय, और उसके बाद रामपथ कैसा दिखता है ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। ये धर्मपथ आप देख रहे हैं, रात का नजारा कितना सुंदर है धर्मपथ का। अब हम आपको यहाँ से ले चलेंगे, दिखाएंगे रामपथ आखिर रात में कैसा दिखता है रामपथ, और फिर आगे आपको ले चलेंगे राम कॉरिडोर भी दिखाएंगे कि आखिर रात में कैसा दिखता है राम कॉरिडोर। तो हमारे इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। आप यहाँ देखेंगे कि भक्तों के लिए ठंडक की वजह से ऐसे गैस हीटर भी लगाए गए हैं, जो कि काफी आराम दे रहे हैं यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए रात के समय, ठंड क्योंकि ज्यादा हो रही है इस समय। तो यहीं से रामपथ की शुरुआत होती है और यहीं पे 112 वालों का एक ऑफिस भी बनाया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपको अयोध्या में कहीं पे भी, तो आप 112 पे कॉल करके तुरंत ही अपने लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कहीं खाने पीने की दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है, तो भी 112 पे कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 112 के ऑफिस इसीलिए बनाया गया है जो कि यहाँ पे भक्तों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, आपको रामपथ दिखाते हैं। अभी हम राम की पैड़ी से आगे आने के बाद राम पथ पे आ चुके हैं। ये राम पथ है और ये राम पथ के रात के नजारे, आप भीड़ देख सकते हैं कि अभी से इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है इन गलियों में। 22 तारीख के बाद क्या हाल होने वाला है अयोध्या में, कितने ज्यादा भक्त पहुंचने वाले इसका अनुमान लगाना भाई मुश्किल है।
तो अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे तो मैं सजेशन दूंगा कम से कम 10 से 15 दिन रुक जाएं, तब आप अयोध्या आइए। मेरा अपना पर्सनल सजेशन है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है अयोध्या में अभी से। तो यहाँ पे होम स्टे, होटल, धर्मशाला अधिकतम सब फुल हो चुके हैं, और जो खाली हैं उनमें आपको अनाप शनाप चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो अभी हम राम पथ पर पहुंच चुके हैं तुलसी उद्यान में। तुलसी उद्यान रात के समय कैसा दिखता है चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे राम उत्सव के तहत कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उसकी भी कुछ झलक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं राजकीय तुलसी उद्यान और आपको दिखाते हैं रात का नजारा। ये तुलसी उपवन रात का नजारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। हर तरफ यहाँ पे लाइटिंग की गई है, पूरे इस उपवन को बहुत अच्छे से सजाया गया है। अभी हम राम पथ पे हैं, रात के 8 बजे के आसपास का समय, और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ अभी से पूरे राम पथ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो पूरे राम पथ को काफी अच्छे तरीके से लाइटों से सजाया गया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य नजारा है पूरे राम पथ का। तो भक्तों, ये रात का नजारा है पूरी अयोध्या का, कैसा लग रहा है आपको ये नजारा कमेंट में बताएं जरूर। और भाई सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम की जयकारे जरूर लगा दे। और एक रिक्वेस्ट है, ये जो ध्वजा है राम भगवान की, अगर आप अयोध्या आते हैं तो इसको घर लेके जाएं, अपने घर पे एक ध्वजा जरूर लगाएं। तो अभी हम राम पथ होते हुए पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जहां से कॉरिडोर की शुरुआत होती है। और आपको रात में कॉरिडोर के नजारे कैसे हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन रात का जो नजारा है वो भी आपको काफी मनमोहक लगने वाला है। तो चलते हैं आपको लेके श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर पे। ये रात का नजारा है श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर का, जो कि काफी सुंदर नजर आ रहा है। हर तरफ आपको यहाँ पे लाइटें ही लाइटें नजर आएंगी, और लाइटों का जो एक शेप है वो भी काफी सुंदर नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये राम जन्मभूमि कॉरिडोर पे अभी हम लोग हैं। यहाँ पे दोनों तरफ रास्ते हैं, एक तरफ पैदल भक्तों के लिए और एक तरफ अगर कोई बाइक से आता है, कार से आता है, तो उसके लिए भी बगल का रास्ता बनाया गया है। और रात के समय आप देखेंगे अभी 8:30-9 बजने के आसपास का समय है, फिर भी यहाँ पे चहल पहल काफी अच्छी सी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जबकि मंदिर बंद हो चुका है, दर्शन भी इस समय नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पेड़ों पे भी लाइट लगाई गई है। और ये जो पेड़ों पे लाइट लगाई गई है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, बांस की डलिया नुमा यहाँ पे बनाई गई है और उसी में बल्ब लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे काफी ध्यान में रख के ही पूरे श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर को सजाया संवारा जा रहा है। अभी हम श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर पे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे नई तकनीक जो अभी आपने नहीं देखी होगी, हमने भी अभी अपने यूपी में या फिर कहीं भी नहीं देखी होगी, वो है टायर किलर। इस पूरे कॉरिडोर पे स्टार्टिंग में ही टायर किलर लगाए जा रहे हैं। अगर कभी भी इस रास्ते पे फोर व्हीलर वगैरह बाइक के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा तो ये अपने मन से ऑन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे कॉरिडोर में जो नई नई तकनीकी है उनका भी उपयोग काफी अच्छे से किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी छोड़ना नहीं चाह रही है अयोध्या में और इस राम मंदिर निर्माण में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।